कैसे हैं आप सब गाइस। मेरे चैनल पर मेरे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है सुदीप भट्टाचार्य, और उन्होंने इतने इतने सारे मैसेजेस करे मेरे पास कि भाई एक वीडियो आपको बनाना है और उसमें आपको होममेड मेकअप प्रोडक्ट यूज करने हैं, और रिक्वेस्ट ये थी कि मुझे एक पार्टी मेकअप करना है और उसके उसमें मुझे जो मेकअप प्रोडक्ट यूज करने हैं वही होममेड करने हैं। मतलब इट वॉज रियली वेरी चैलेंजिंग, जो कि मुझे लगा बिकॉज अभी तक ऐसा किसी भी यूट्यूबर ने किसी कहीं पर भी वीडियो मैंने नहीं देखा कि एक पार्टी मेकअप आप कर रहे हैं वो भी आप होममेड मेकअप प्रोडक्ट यूज करके। सो गाइज दिस इज द लुक विच आई हैव क्रिएटेड। सो गाइज होममेड मेकअप प्रोडक्ट जो है वो बहुत ऑसम होते हैं, आप उससे किसी भी तरह का मेकअप कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट, एंड दोज प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी ऑसम। और क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्या, हमने इसे खुद बनाया है, वो जो एक खुशी होती है ना वो आप बयान नहीं कर सकते। और मुझे इतना मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी जब मैं ये वीडियो कर रही थी कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने बनाए, बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही थी। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो कैसा ये निकल के आया है, बट मैंने अपनी पूरी तरह से मेहनत करी है कि इसमें सारे प्रोडक्ट्स क्या आपके आपका फेस पे आपने कॉम्पैक्ट लगाया है, बीबी क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, आई शेडो लगाया है, मस्कारा लगाया है, आईब्रो पे कुछ लगाया है, हाईलाइटर लगाया है, सब कुछ होममेड है, सब कुछ होममेड। और ये मेरा मेकअप है और मुझे ये मेकअप अच्छा लग रहा है यार, सच बताऊँ काफ़ी मेहनत मुझे लगी, काफ़ी मुझे सोचना पड़ा कि मैं इसको कैसे करूँ, बट फाइनल रिजल्ट आई एम लविंग इट। वो फीलिंग क्या है, क्योंकि खुद आपने कुछ क्रिएट किया है ना उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। सो आपको दिखाने से पहले कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे लाई हूँ, पहले आपको मैं बता दूँ मेरे वीडियो जो है वो शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलेंगे। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दोनों ही हैंडल्स जो हैं वो मेरे सुरस्वीट के नाम से हैं, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की टेंशन नहीं है और बिल्कुल भी ढूंढना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबको दिख जाएगा। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ करे हैं उन सब की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगी, सारे जो मतलब डिटेल्स नहीं सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे, क्योंकि एक एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, फिर बनाना है और फिर आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये लुक मैं लाई कैसे। सो गाइज चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने मेकअप से। और सबसे पहले मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना ज़रूरी है। सो मेरा एक होममेड प्राइमर मैंने बनाया था दोनों ऑयली और ड्राई स्किन के लिए भी। और ये सारे वीडियोज़ जो है ना, जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया है सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको आराम से मिल जाएंगे, गो एंड वॉच इट। बल्कि मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है इसके अलग से, उसका भी लिंक मैं नीचे दूँगी, बल्कि आप वो प्लेलिस्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ जो कि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ करे हैं। और ये है मेरा प्राइमर, होममेड प्राइमर, और ये मेरा ऑयली स्किन के हिसाब से मैंने प्राइमर बनाया है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस थोड़ा सा वार्म अप करके, एंड जो भी पोर्स वाला एरिया आपको दिखता है उसमें आप लगा सकते हैं इसको। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप है मेरा ये बीबी क्रीम लगाने का, और ये बीबी क्रीम जो है मैंने एक टूटे हुए कॉम्पैक्ट पाउडर से बनाई थी और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। सो इसको भी मैं अपनी फिंगर की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इस ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। सो इस बीबी क्रीम को मैं अपने हाथ से ही स्प्रेड कर रही हूँ, और ये हाथ से बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है गाइस। बीबी क्रीम लगाने के बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी, ये मेरा होममेड कंसीलर है। एंड गाइज इस होममेड कंसीलर को बनाए हुए मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं और ये बिल्कुल इंटैक्ट है। जब भी हम मेकअप होममेड मेकअप प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी जो साइकिल है, जो स्पैन है वो बहुत कम होता है, मोस्टली वो होता है जिसमें हम किचन इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कई महीने तक चल जाते हैं, तो ये उनमें से एक है। और ये बहुत ही प्यारा कंसीलर है गाइज, एकदम मेरे मतलब स्किन शेड का बना है, सबसे अच्छा मुझे लगता है, और एकदम मेरे जो आईज है उनको हाईलाइट कर देता है। ये अभी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बट स्टिल इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है अभी भी। सो मैं इसको अपने अंडर आई में लगा रही हूँ और आईलिड पे भी लगा रही हूँ। अभी मैंने आप देखे बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी लगाई है और उससे एकदम आईज ब्राइटन अप लग रही है, मुझे बहुत प्यारा लगता है मेरा कंसीलर। अब कंसीलर मैंने लगा लिया है, अब बारी आती है मेरे इसको सेट करने की।
सो मेरा ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने बनाया है, इससे मैं इसको सेट करूंगी। अब एज अ बेस आई शेडो में ये ब्लश मैंने बनाया था, मैं इसको लगा रही हूँ एज अ बेस आई शेडो बिकॉज आई मेकअप भी करना है हमें। इससे पूरे ही आईलिट में मैं इसको लगाऊंगी। सो नेक्स्ट स्टेप है, ये मेरे पास पर्पल कलर की मेरी लिपस्टिक है जो मैंने बनाई थी और इसको मैं एज एन आई शेडो यूज कर रही हूँ। लिपस्टिक भी यूज करूंगी बट फिलहाल तो आई शेडो की तरह, और इसको फिंगर की मदद से ही लगाते हैं। इसको मैं आउटर कॉर्नर में ज्यादा लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर में उसको लेकर आ रही हूँ। सीधा कलर गाइस, कितना प्यारा कलर आया है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और आई थिंक कोई मार्केट के आई शेडो भी इतना फाइन पिगमेंटेशन नहीं दे पाएगा जो मेरी ये प्यारी सी लिपस्टिक ने दिया है। आई रियली लाइक इट। और फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, रिपीटिंग द सेम प्रोसेस हेयर ऑल्सो। ये लिपस्टिक है तो भी थोड़ी क्रीमी तो है, इसके ऊपर ये मेरा पर्पल कलर का ग्लिटर है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये जो आई बॉल है उसी के ऊपर सिर्फ वो वाला जो एरिया उस पर मैं लगा रही हूँ उसको। एंड गाइस बहुत ही प्यारी तरह से ये लग रहा है, सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये भी बहुत अच्छी मुझे ट्रिक लगी कि ग्लिटर आपको लगाना है सो आप उसको लिपस्टिक के ऊपर या किसी ग्लॉस के ऊपर भी लगा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी फाइन, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी कोई भी ग्लिटर ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये ऐसे ही स्टे कर गया है। Just looking very nice. बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे आई मेकअप, I can't just express मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब ये मेरा आईब्रो जेल है जो मैंने बनाया था और इससे मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी और ये साथ साथ मेरे आईब्रोज को फिल भी करेगा और मेरे आईब्रोज को सेट भी करेगा, दोनों काम ही करता है ये। इतना बढ़िया मैंने बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा देखिए आप, खत्म भी हो चुका है, इसको यूज करती हूँ। आई एक्चुअली यूज माई मेकअप प्रोडक्ट्स। सो ये एक आईब्रो ब्रश, तो ये एक ब्रश है मेरा और इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ। ये आप देख सकते हैं एकदम मेरे आईब्रोज बहुत, मतलब मेरे आईब्रोज थिक है लेकिन इसको लगाने के बाद आप देखिएगा मेरे आईब्रोज में एक शाइन आएगी बहुत ही प्यारी सी और एक बहुत ही नेचुरल कलर आएगा। कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस, आया ना कलर इतना बढ़िया है और एकदम सेट कर दिया। क्योंकि बहुत हम एक्सपेंसिव आईब्रो जेल यूज करें उससे उसके बराबर इसका टक्कर का है ये। और मुझे आई डोंट नो कैसा ये मेकअप निकल के आएगा बिकॉज पार्टी मेकअप मैंने कभी मैंने अभी तक क्या आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि ये मेकअप कैसे निकल के आएगा बिकॉज पार्टी मेकअप अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं किया है। होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स है और वो मैं आज कर रही हूँ, सो आई जस्ट होप कि वो फाइनली अच्छा निकले। So I'm just applying it here also. देखा कितना डिफरेंस आ जाता है जब भी आप अपनी आईब्रोज को डिफाइन करते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा बट मजा आ रहा है मुझे आपसे बातचीत करते हुए मेकअप करने में। माय गाइस, मेरी आई में अभी ये ब्रश लग गया था तो इसलिए थोड़ा सा पानी निकल आया है, सो अभी वो सेट कर दिया मैंने। सो आप ये कंसीलर से मैं थोड़ा सा आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद आती है बारी कॉन्टोरिंग की और ये मेरा होममेड लिक्विड कॉन्टोर मैंने बनाया है और ये बहुत प्यारा बनाएगा इसे। उसको मैंने कॉफी से बनाया है, सो बहुत ही सस्ता बहुत ही रीजनेबल है। फिश फेस बनाते हैं, इसको लगाते हैं, है ना बढ़िया चीज। कौन कहता है होममेड मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप नहीं हो सकता। देखिए देखिए थोड़ा सा नोज को भी कंट्रोल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, मेरी नोज बहुत ज्यादा थिक नहीं है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अपने लगा लेती हूँ कंट्रोल करने के लिए। मैं फोरहेड को कंट्रोल नहीं करती, मेरा फोरहेड
फोरहेड में बस हल्का सा टच दे देती हूँ, बट क्योंकि मेरा फोरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसमें कॉन्टोरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। कॉन्टोर को ब्लेंड करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे से ब्लेंड होना बहुत जरूरी होता है, सो वही मैं कर रही हूँ। सत्य कॉन्टोरिंग से फेस एकदम नैरो दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। नेक्स्ट इज माय ब्लश और इसे चीक्स पे लगाएंगे। सो मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को इसको मैं हाथ से लगाना बेहतर समझूंगी, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फिर और ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। सो अब मेरे आई मेकअप में एक छोटी सी चीज रह गई थी, वो था मस्कारा। सो गाइस दिस इज माय मस्कारा, इसमें डिप करते हैं एंड अप्लाई इट। यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस गाइस, मेरे मस्कारे से कितना फर्क पड़ा है, बहुत अच्छा है। देख सकते हैं गाइस सिर्फ मस्कारा लगाने के बाद आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब फाइनली बारी है मेरी लिपस्टिक की। I don't know मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पर्पली थिंग कैसे लग रही है, बट ठीक है, ट्राई किया था। आप चाहें तो कोई और लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो अभी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अभी फाइनली एक स्टेप बचा है मेरा हाइलाइटर का। ये मेरा होममेड हाइलाइटर है और इसको मैं लगाऊंगी अपने चीक बोन पे, इनर कॉर्नर द आई, दोनों जगह। कैन यू सी द ग्लो, कितना अच्छा ग्लो है इससे। थोड़ा सा इनर कॉर्नर होता है और थोड़ा सा ब्राउ बोन पे, इन्हीं जगहों पे मैं लगाती हूँ अपना हाइलाइटर और थोड़ा सा नोज पे भी और लिप्स के ऊपर। ये जो यार ये जो ग्लो आया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसकी ही कमी मुझे लग रही थी मेरे मेकअप लुक में, जो कि परफेक्ट हो गया है। एक बार फाइनली पूरे फेस को मैं इस फाइनली कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे फेस को सेट करती हूँ एक बार, बिकॉज आई लाइक टू डू इट। ये मेरे पूरे फेस को मैटिफाई कर देता है, जो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली है। और इसको सेट करने के लिए मेरे पास ये होममेड मेकअप सेटिंग स्प्रे है, जो कि मैंने इस लेंस क्लीनर में भरा है, बट दिस होममेड यू कैन सी, सो विच इज़ वेरी नाइस। और इसी तरह फाइनल स्प्रे कर लेते हैं। And guys, my makeup is done using homemade makeup products. So guys, कैसा लगा मेरा ये बढ़िया सा लुक जिसमें मैंने अपने होममेड मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। आई एम लविंग द हाईलाइटर रियली, और आई मेकअप तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
आपको बता नहीं सकती इतना ज़्यादा कि मुझे मतलब इतना अच्छा आई मेकअप मेरा मार्केट के आई शेडो से भी नहीं आया जो आज आया है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैं खुद जानती हूँ कि एक एक प्रोडक्ट मैंने बहुत सोच कर बनाया है, मेरा पूरा मतलब दिल से इतने प्यारे हैं ना ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स, मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल जेन्युइनली मैंने इसमें सभी होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ पार्टी लुक यूजिंग होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स और बहुत अच्छा लगा। सो गाइज ऐसे ही वीडियोस, ऐसे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आपको मेरे चैनल पर दिख जाएंगे, बहुत ही सारे, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। सो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और उसको ज़रूर देखें। और कैसा लगा मेरा लुक लिख दो यार कमेंट में, थोड़ा अच्छे अच्छे लिखना, थोड़ा खुशी होगी यार इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। ओके सो गाइज तब तक आप मस्त रहो, ये मेकअप प्रोडक्ट बनाते रहो, चिल आउट रहो, एंजॉय करो लाइफ, हमसे जुड़े रहो, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरी फोटो पे क्लिक करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें।